हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के Q4 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल के शेयर का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और आज के दिन अगर हम एयरटेल के शेयर की प्राइस की बात करें तो 547.80 रुपीज़ पर ये क्लोज हुआ है। लगभग लगभग 2.25% के आसपास हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 12.60 रुपीज़ के आसपास है, यानी कि 12.5 रुपये के आसपास दोस्तों। और इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका Q4 का रिजल्ट कैसा रहा है, साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बनाया है भारतीय एयरटेल के शेयर से रिलेटेड। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं वो वीडियो। उस वीडियो की अगर हम शॉर्ट समरी की बात करें दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल से रिलेटेड हमने काफ़ी अच्छी बातें की थी और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे हमने अपना पिक बताया था। उसी से रिलेटेड हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे आज इस वीडियो में। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एयरटेल के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन अगर हम भारतीय एयरटेल के शेयर के प्राइस की बात करें तो 547.80 रुपीज़ पर ये क्लोज हुआ है। आज के दिन हमें इसमें 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम इनके इंडस्ट्री की बात कर लें, टेलीकम्युनिकेशन से जो ये आते हैं, यहाँ पे इनका दोस्तों सबसे अच्छा नाम है एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। ये तीन ही दोस्तों कंपनियाँ हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया में काम कर रही हैं, और भारतीय एयरटेल का दोस्तों इसमें सबसे अच्छा नाम है। और वैसा ही इनका Q4 का रिजल्ट भी रहा है। मार्केट में इनसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी और उसी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड इनका कुछ रिजल्ट भी रहा है। अगर आप मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल देखेंगे तो भारतीय एयरटेल Q4 रिजल्ट टेलीकॉम मेजर पोस्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 759.2 करोड़ रुपीज़, रेवेन्यू राइजेस 12%। दोस्तों, इनका नेट प्रॉफिट 759.2 करोड़ रुपीज़ रहा है Q4 के रिजल्ट में। और रेवेन्यू की बात करें तो 12% की इसमें हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप ये आर्टिकल को और अच्छे से पढ़ेंगे, इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टिसेशन एबिटा स्टूड एट 12,583 करोड़ रुपीज़, अप 28.9% ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा मार्जिन वॉज एट 48.9% एंड एक्सपांशन ऑफ 647 BPS। दोस्तों, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो जो इनका एबिटा रहा है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टिसेशन, ये सारी चीज़ें पहले हटा के अगर हम देखें तो 12,583 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका रहा है एबिटा, जो कि 28.9% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। ये काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। एबिटा इनकम की दोस्तों काफ़ी सारी बातें होती हैं, और इसी में अगर आप देखेंगे, एबिटा का फुल फॉर्म दोस्तों कुछ भी नहीं, सिर्फ इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टिसेशन है, यानी कि ये सब पहले माइनस करने से पहले जो इनका इनकम है उसे बताया जाता है, और वो 12,583 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाते हैं, टेलीकॉम मेजर भारतीय एयरटेल मई 17 रिपोर्टेड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ 759.2 करोड़ रुपीज़। द फर्म हैड पोस्टेड अ लॉस ऑफ 5,237 करोड़ रुपीज़ इन द ईयर अगो पीरियड। दोस्तों, पिछले एक साल पहले अगर हम बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 20 रहा था, 1920, उसमें इनको 5,237 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था Q4 के रिजल्ट में। और अगर हम देखें तो इनको प्रॉफिट हुआ है जो कि 759.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ। लेकिन अगर हम Q3 की बात करें, जो कि इसी साल का रहा था दोस्तों, उसमें इनको 853 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, जो कि Q4 में थोड़ा सा कम हुआ है। द कंपनी फोर्थ क्वार्टर टोटल रेवेन्यू केम इन रुपीज़ 25,747 करोड़ रुपीज़, अप
17.6% ईयर ऑन ईयर। दोस्तों ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा है। एक हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ये सारे नंबर्स को मिला के तो इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है पिछले साल के मुकाबले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 का रिज़ल्ट अच्छा रहा है, Q3 के रिज़ल्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है, जो इनका प्रॉफिट था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और एबिता इनकम की बात करें तो 29% के आसपास बढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। और एक चीज़ दोस्तों जिसे हमें इस सेक्टर में ज़रूर देखना चाहिए वो इनका आरपू रेशो रहता है, आरपू रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और ये इनका इंडस्ट्री में बेस्ट रहा है 145 रुपीज़ के आसपास। और ये सबसे अच्छी बात है अगर हम देखें तो ऐसे इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इनका जितना भी रेवेन्यू रहता है वो सारे यूज़र से ही आता है दोस्तों, लगभग मंथली बेसिस पे, और ये इनका सबसे बेस्ट है 145 रुपीज़ के आसपास। यानी कि दोस्तों इनका Q4 का रिज़ल्ट एक हिसाब से काफ़ी ही अच्छा रहा है, डिविडेंड कोई भी अनाउंस नहीं किया गया है। पिछले वीडियो में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि भारतीय एयरटेल क्यों अच्छा शेयर है, और आगे इसके फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोप हमें क्यों देखने को मिलता है। एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपनी नज़र इसमें ज़रूर रख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इसका देखेंगे तो 3 लाख करोड़ रुपये के आसपास है दोस्तों, जो कि सबसे अच्छी बात है। बुक वैल्यू 139 रुपीज़ का है। और दोस्तों इनका अगर हम डेप्थ देखें वो इसीलिए हाई है क्योंकि इनका जो ट्राई के खिलाफ केस चालू है उसी से रिलेटेड इनको जो मनी भरना है दोस्तों उसी से रिलेटेड है, और इसीलिए इनका डेप्थ हमें इतना हाई देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग 55.86% के आसपास है, जो कि हमें अच्छा ही देखने को मिलता है। एज ऑल अगर हम देखें दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं शेयर, तो भारतीय एयरटेल शेयर आपके लिए एक अच्छा स्टॉक पिक हो सकता है। यहाँ पे हम आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछ सकते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं। गूगल पे डेटा बहुत फ्रीली अवेलेबल है, NSE के वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको इनका फाइनेंशियल डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इनका Q4 का रिज़ल्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पे दे दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके इनका Q4 का रिज़ल्ट बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं और फिर उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, यानी कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले भी रहे हैं तो एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे लें। शेयर दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और अगर हम देखें इनके सब्सिडरीज़ की तो विंक म्यूज़िक का नाम आपने सुना ही होगा, एयरटेल डिजिटल टीवी, एयरटेल अफ्रीका, टाटा डोकोमो, दोस्तों ये सारी इनकी सब्सिडरीज़ हैं। साथ ही साथ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय एंटरप्राइजेस, जो कि इंडिया में दोस्तों अगर हम देखें तो जितना भी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड बिजनेस है वो भारतीय एंटरप्राइजेस करती ही है, और ये भी हमें अच्छी ही बात देखने को मिलती है भारतीय एयरटेल के शेयर के लिए। एज ऑल भारतीय एयरटेल शेयर दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना कीजिए क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की भी होता है अगर सोच समझ के ना किया गया तो। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट ना कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मे बी आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिल सकता है। और इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो भी समाप्त करेंगे। आप अपनी राय, साथ ही साथ भारतीय एयरटेल के शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम आपको आंसर देने के लिए बेकरार हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।